दोस्तों, मेरे फ़ोन का पासवर्ड भूल चुका है और मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड लॉक तोड़ना है। तो मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड लॉक तोड़ूंगा बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के। और मैं फ़ोन को हार्ड रीसेट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फ़ोन को स्विच ऑफ ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब स्विच ऑफ करने जाता हूँ तो वहाँ पर मुझसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो मैं फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं कर पा रहा हूँ ताकि मैं फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दूँ। तो किस तरह से मैं अपने फोन का लॉक तोड़ने वाला हूं, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो अनकट होगी, पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके पास कौन सा मोबाइल है, किस कंपनी का फोन है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माय प्राइमरी सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास है सैमसंग A5 2016 एडिशन और मेरा फ़ोन लॉक हो चुका है। इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता है, तो मैं चाहता हूँ इस फ़ोन का पासवर्ड तोड़ना। अब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है और दूसरा कोई फ़ोन भी नहीं है ताकि मैं उसका हेल्प ले सकूं। तो यहाँ पर इस फ़ोन का पासवर्ड किस तरह से तोड़ेंगे, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको पता है कि मैं इसको हार्ड रीसेट करता हूँ तो यहाँ पर फ़ोन को ऑफ़ करना पड़ेगा। फ़ोन ऑफ़ करने के लिए मुझे यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा। मुझे फ़ोन का पासवर्ड पता नहीं है तो मैं फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फ़ोन को डाउनलोडिंग टर्न ऑफ टारगेट पर ले जाऊँगा, वहाँ से इस फ़ोन को स्विच ऑफ करूँगा या हार्ड रीसेट वहीं से कर लूँगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इस वीडियो में आपको दो तीन चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है तो आप उसको स्विच ऑफ करना सीख जाएंगे। अगर आपका फ़ोन कभी डाउनलोडिंग टर्न ऑफ टारगेट पर स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो वहाँ से आप किस तरह से फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं या फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं या फ़ोन को इरेज कर सकते हैं, फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इसे ले जाना है टर्न ऑफ टारगेट पर, यानी कि डाउनलोडिंग टर्न ऑफ टारगेट पर। तो आपको क्या करना है, देखिए पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन, तीनों को एक साथ प्रेस करना है। चलिए 1 2 3, देखिए पावर डाउन बटन, ये पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन, तीनों को एक साथ मैंने प्रेस किया, फ़ोन चला गया डाउनलोडिंग टर्न ऑफ टारगेट पर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इस फ़ोन को हमें स्विच ऑफ करना है, इसके बाद इसे हम इरेज करेंगे या इस फ़ोन को इरेज कर देंगे डायरेक्ट। तो करना क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, वॉल्यूम अप बटन यानी कि इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन यानी कि इसे कैंसिल करके फ़ोन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस फ़ोन को रीस्टार्ट करूँगा, यहाँ पर कैंसिल करूँगा, लेकिन जैसे ही मैं कैंसिल करूँगा इसको मैं ले जाऊँगा सिक्योरिटी चेक पर। तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल करूँगा और कैंसिल करने के बाद तुरंत यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को दबाऊँगा और साथ में तुरंत यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन और होम बटन को दबाऊँगा, तभी जा कर के वहाँ से हम कमांड दे पाएंगे और फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाएंगे या फ़ोन को रीसेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंसिल करना है ये वॉल्यूम डाउन बटन से, इसके बाद आपको पावर ऑफ बटन और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप बटन और यहाँ पर आपको होम बटन को दबाना है। चलिए फटाफट काम करते हैं, ये मैंने किया और ये तीनों एक साथ, चलिए दबाए रखना है आपको इसी तरह से दबाए रखिए। चलिए सिस्टम अपडेट पर मेरा फ़ोन आ चुका है। तो यहाँ से आपको पता है कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, फ़ोन को रीबूट भी कर सकते हैं और फ़ोन को यहाँ पर हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या कुछ करना होगा। यहाँ पर देखिए नो कमांड आ गया, कोई नहीं, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ पर पूरा कमांड खुल करके आ जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो सकता है, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ़ोन रीबूट, इसको आप रीबूट कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन को टर्न ऑफ़ कर सकते हैं, नीचे देखिए
पावर ऑफ, फ़ोन को पावर ऑफ कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है, यहाँ से फ़ोन का पावर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, पावर ऑफ कर सकते हैं, फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। देखिए डाटा फैक्ट्री रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, फ़ोन को रीसेट करेंगे। यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, नीचे देखिए यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रीसेट करना है। तो चलिए यहाँ पर ले जाते हैं और क्या करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं। अभी देखिए वाइप करेंगे, वाइप डाटा यानी कि इसके डाटा को इरेज करेंगे। तो यहाँ पर पावर बटन को दबाएंगे, ये पावर बटन, ठीक है। चलिए दबा दिया, यहाँ पर मुझे एस करना होगा, मैंने एस किया, यहाँ पर मैं पावर बटन को दबा दिया और ये देखिए अभी मेरा फ़ोन फॉर्मेट होना शुरू हो चुका है। तो कितना टाइम लगेगा, ये फॉर्मेट हो चुका, क्या बात है, बहुत जल्दी। चलिए अब हमें क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, या एक बार फिर से इसे रीसेट करते हैं, फिर से देखते हैं, नो कर देते हैं। चलिए ये हो चुका है, फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। वैसे यहाँ पर एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ये रीसेट पर गए, एक बार देख लीजिए, एस किए और पावर बटन को दबा दिए। आपको सिर्फ दिखाने के लिए दो बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करते हैं, रीबूट कर देते हैं, पावर बटन को प्रेस कर देते हैं और मेरा फ़ोन फिर से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ सेकंड वेट करना होगा, आप भी देख लीजिए क्या फ़ोन ऑन होता है। अनकट वीडियो है, कहीं पर भी मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कभी भी आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपका फ़ोन स्टक हो जाता है या आपका पासवर्ड भूल जाता है, आप फ़ोन का पासवर्ड हार्ड रीसेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है। तो गाने तो रोज़ सुनते होंगे, मूवी भी रोज़ देखते होंगे, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको रोज़ाना देखने के लिए नहीं मिलती होगी। तो आपके पास कौन सा मोबाइल है, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए भी कभी वीडियो बना सकूं। तो आप कौन फ़ोन यूज करते हैं, कौन सा फ़ोन, किस कंपनी का फ़ोन यूज करते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ होती है और आप दुकान पर जाते हैं तो आपसे 200-300 रुपये तो बड़े आसानी से ही ले लेते हैं। और भाई चलिए इसी से उनका खर्चा भी चलता है, उनका दुकान भी चलता है, तो लेना सही है। लेकिन अगर आप इसे सीखे रहेंगे तो घर बैठे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड हम वेट करेंगे, अभी देखिए टाइम लगता है, पता है कि जब आप फ़ोन को इरेज करते हैं तो स्विच ऑफ होने में और स्विच ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी फ़ोन रिबूट हो रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ होगा। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो चले जाते हैं दुकान पर और वहाँ पर 150-200 रुपये दे करके आते हैं और बोलते हैं भाई मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया है, सारा डाटा डिलीट हो गया है। तो भाई वैसे भी डाटा डिलीट होगा, ऐसे भी डाटा डिलीट होगा, तो क्यों ना आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रोज़ाना वीडियो देखने के लिए उसके बाजू में आपको एक छोटा सा बेल आइकन मिलेगा, घंटी का ऑप्शन मिलता है, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को रोज़ाना देख सकें। तो यहाँ पर अभी पावर ऑन हो रहा है, फ़ोन बूट हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अब लग रहा है कि जल्दी ऑन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी लाइट जला था, ये दोनों बटन पर देखिए एंड्रॉयड इज़ स्टार्टिंग, ओह माय गॉड, अब होने लगा स्टार्ट। तो अब जल्दी हो जाएगा, अब टाइम नहीं लगेगा आपका। तो बस ये इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस अब तो जल्दी सब कुछ ऑन हो जाएगा। चलिए फाइनली मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है, मेरे फ़ोन का लॉक खुल चुका है। फिर से मैं फ़ोन को पूरा सेट कर लूँगा, पासवर्ड वगैरह भी सेट कर लूँगा और इस बार पासवर्ड ऐसा डालूँगा कि कभी ना भूल पाऊँ, या डायरी में नोट भी कर लूँगा, ठीक है ना।
तो अगर आप भी अपने फ़ोन में पासवर्ड डालते हैं तो हो सकता है पासवर्ड आप कभी भूल जाएं, इसलिए डायरी में नोट करके ज़रूर रखें। या अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है तो उस फ़ोन में आप कहीं भी इस पासवर्ड को सेव करके ज़रूर रखिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम मेरी जैसी कभी भी हो सकती है और फिर आपको फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, हार्ड रीसेट करना पड़ेगा, तो आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ही हेल्पफुल है, और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा किस तरह से फ़ोन को सेट किया जाता है, किस तरह से क्या कुछ किया जाता है। बिल्कुल मेरा फ़ोन नया हो चुका है, आपको पता है कि अगर आप हार्ड रीसेट कर देते हैं तो फ़ोन पूरी तरह से नया हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाजू में आपको छोटा सा घंटी का आइकन मिलेगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा। चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इस फ़ोन को पूरा सेट करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, तो यहाँ तो मैं US कर दिया हूँ, यूनाइटेड स्टेट, आप UK कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर US करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ, दरअसल पहले ये ऑन ही रहेगा। यहाँ पर मैं कोई भी अपना एक नेटवर्क ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाईफाई कनेक्ट करना है मुझे, तो देखिए आओ कभी हवेली पे, ये भी मेरा ही राउटर है और ये 1+60 है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूँगा 1 2 3 4 5 6 7 9 8 को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी डाल सकता है, थोड़ा सा यूनिक रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर ऑल एग्री करना होगा, नेक्स्ट करना है, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर पूरा सेटअप हो जाएगा फटाफट। लो जी, सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा, चेकिंग होने लगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, मुझे ईमेल आईडी डालनी है। चलिए यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। क्या मैं आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दिखाऊँ? मैं नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, रवि शंकर पाठक @gmail.com गो, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड भी एंटर करूँगा। तो पासवर्ड मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी ये पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, ये नेक्स्ट करता हूँ, और देखते हैं क्या होता है, क्या मेरा जीमेल आईडी लॉगिन होता है। यस, लॉगिन हो गया, यस करते हैं, और यहाँ पर साइन इन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और मेरा फ़ोन पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, पूरा यहाँ पर सेटअप कंप्लीट होने वाला है, तो जस्ट अ सेकेंड वेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना फ़ोन सेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा कि आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं या पासवर्ड पिन लगाना चाहते हैं, तो मैं फिंगरप्रिंट फिर से लगाऊंगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं फिर से पिन ही डालूँगा, कि पैटर्न डाल दूँ, क्या डालूँ, पैटर्न डालूँ, पैटर्न मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ पर पिन ही डालूँगा, मैं पिन डालूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और मैं पिन डालूँगा, यहाँ पर क्या डालूँगा, 7272 नहीं, मैं 0000, ये सबसे आसान है, नेक्स्ट 0000 40 हो गया ना, ओके, ये बढ़िया है। यहाँ पर हमेशा हाइड रखता हूँ, कुछ भी नहीं दिखेगा, अगर मेरा फ़ोन लॉक रहेगा और कोई नोटिफिकेशन आती है तो नहीं दिखेगा, ये मैं हमेशा हाइड करके रखता हूँ। तो यहाँ पर ये करता हूँ, मैं डू नॉट शो नोटिफिकेशंस डन करता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ सेटअप, मैं पूरा सेटअप करूँगा, क्यों भाई, यहाँ पर फिंगरप्रिंट पूरा सेटअप करूँगा, ऐसे थोड़े ना करूँगा, मैं पूरा सेटअप करूँगा अच्छे से, यहाँ पर फिंगर को अच्छे से स्कैन करूँगा, ये क्या बात है, वाह भाई, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ओके,
क्या बात है, ये कंटिन्यू फिर से एक बार, वाह क्या बात, 100% सक्सेसफुल। अब देखते हैं क्या आता है। ओके नेक्स्ट, स्किप कर देता हूँ इसको, और ये स्किप करके ही आपको रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंट बना देते हैं और पता है वो अकाउंट बार बार मांगता है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप इसको स्किप करके रखें, क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने की। तो मेरा फ़ोन यहाँ पर हो चुका है डन, और यहाँ पर हो चुका है सब कुछ डन। मैं मेल हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। मेरी एज है ये है, और मैं यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देता हूँ। ऑप्टिमाइज ऐप्स रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं कर देता हूँ, बस छोड़ देता हूँ, यहीं बहुत हो गया। ये कंटिन्यू, और इंस्टॉल तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसे मैं करूँगा कैंसिल। तो इसे ये फिनिश करूँगा, मुझे ऐप्स नहीं डाउनलोड करने हैं। तो ये देखिए नया फ़ोन आपका रेडी हो चुका है। तो कितना आसान है, कितनी आसानी से यहाँ पर पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके, और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा घंटी का आइकन मिलेगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।